नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर एडेनियम के फूलों के साथ। तो आज हम गार्डनिंग में वो बातें जानेंगे जिससे कि हमारे प्लांट हेल्दी रहें। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हम क्लियर कर लेंगे आज की वीडियो में। तो उसमें सारी की सारी आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आ जाएंगे, जो कि हम घर से ही बना सकते हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, मुझसे व्हाट्सएप पे या चैनल पे ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं कि वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करना चाहते। तो ऑर्गेनिकली अपने घर से ही, किचन से ही आप अपने प्लांट्स को कैसे प्रोवाइड कर सकते हो और प्लांट्स की ग्रोथ भी आपकी अच्छी रहे, चाहे वो आपके किचन गार्डनिंग के प्लांट्स हों या आपके फॉलीज प्लांट्स हो या आपके डेकोरेशन के प्लांट्स हो या आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हो। और दूसरा, जो प्लांट्स में आने वाली समस्याएं हैं वो भी। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट पे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है, वो हमें कैसे पता लगती है कि हमारी जो लीव्स हैं वो अच्छी ग्रीन है, जैसा कि ये देख रहे हो आप, अच्छी हरी भरी है, कोई इन्फेक्शन नहीं है इन पे और प्लांट्स की ग्रोथ बढ़िया चल रही है। तो सबसे पहला तो साइन यही है कि जो हमारा हरा रंग है पौधे का, वो खूब बढ़िया से हरा रंग हो, देखने में अच्छा लगे, बिना किसी इन्फेक्शन के हो। तो वो आता है दोस्तों दो तीन चीज़ों से, जो कि आप अपने घर से यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है दोस्तों प्लांट का जो हरा रंग है, तो जो हमारी लीव्स हैं, जैसे हमारी हड्डियाँ बनी होती है ना कैल्शियम से, ऐसे ही प्लांट्स की लीव्स को क्या, उसकी जो सेल्स होती हैं उनको बनने के लिए भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। और उस कैल्शियम की पूर्ति आप कैसे कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। कच्चा दूध है, जैसे उबला हुआ नहीं, कच्चे दूध को पानी में मिला के वो अपने प्लांट्स में डाल दो, लस्सी बोलते हैं जिसको, मट्ठा बोलते हैं, लस्सी बोलते हैं, और बस यही याद है मुझे। तो वो अगर खट्टा हो गया या आपके काम का नहीं है तो वो भी आप अपने प्लांट्स में पानी में मिक्स करके डाल दिया करो, तो उससे भी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है प्लांट की। और तीसरा है दोस्तों, जो हमारे घर में जो लोग एग वगैरह खाते हैं उसके जो शेल्स होते हैं, वैसे ही हम डस्टबिन में डाल देते हैं, उसका भी बारीक ग्राइंडर में आप चूरा करके कुछ दिन सुखा के शेड में, ताकि कई बार वो लिक्विड सा जो होता है वो बना रहता है, ताकि फंगस भी ना आए प्लांट्स में, और दो चार दिन उसको बिल्कुल ड्राई आउट करके और फिर ग्राइंडर में पीस के अपनी प्लांट की सॉइल में मिला दो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कैल्शियम की कमी को पूरा करेंगे और आपके प्लांट्स को जो हरा भरा रखने में वो हेल्प करेंगी, चाहे आपकी जैसे मर्जी प्लांट हो। दूसरी आती है दोस्तों चीज़ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लिए हम हमेशा ही एप्सम सॉल्ट का भी यूज़ कर लेते हैं। और दोस्तों एक बात जानने की ज़रूरी है, मुझसे बहुत लोग ये पूछते हैं कि एप्सम सॉल्ट सेंधा नमक है, शायद आपने भी पूछा होगा। नहीं, ये सेंधा नमक बिल्कुल भी नहीं है, सेंधा नमक से बिल्कुल अलग क्वालिटीज़ है इसकी। इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो साल्ट से अलग है, तो एक बार आप ज़रा डिफरेंस भी देख लेना सर्च करके कि एप्सम सॉल्ट क्या होता है और जो हमारे साधारण नमक है उनमें क्या डिफरेंस है। तो एप्सम सॉल्ट से हमारी मैग्नीशियम की समस्या दूर होगी। मैग्नीशियम से क्या होगा दोस्तों, जो हमारे प्लांट की लीव्स में स्टोमेटाज होते हैं, स्टोमेटाज वो होते हैं जो कि क्लोरोफिल को बनाने में हेल्प करते हैं और फूड को पत्तियों के द्वारा मतलब एब्जॉर्ब करके प्लांट तक पहुंचाते हैं, और आपकी जो पत्तियां हैं वो हरी भरी नज़र आएंगी, बहुत हेल्दी नज़र आती हैं इससे। और इसका तो दोस्तों बहुत सारे यूज़ है एप्सम सॉल्ट वाला, एक बार मेरा वीडियो देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है। अभी तो हम थोड़ी थोड़ी बातें सब पे डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और इसके लिए दोस्तों आप एप्सम सॉल्ट ही ले लो, मेडिकल स्टोर पे बड़े आराम से मिल जाता है ये, मैग्नीशियम सल्फेट बोलना है आपने इसको, एप्सम सॉल्ट उसकी समझ में भी ना आए तो। और तीसरा होता है दोस्तों, जो कि हम खाद वगैरह अपने प्लांट में डालते हैं, तो जिसके यहाँ बड़े गार्डन भी नहीं है या बालकनीज़ है, उन्हीं के लिए है मोस्टली ये वीडियो।
तो उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों में अपने प्लांट्स लगा रखे हैं, तो बोलते हैं कि हम कैसे अपने प्लांट को सेव करें घर से ही। तो सबसे बढ़िया चीज़ दोस्तों मुझको यही लगती है कि सबके घर में चाय भी बनती है, चाय पत्ती बचती है उसको हम डस्टबिन में डाल ही देते हैं, उसको ना डालें। अगर गर्मी है तो बेशक अच्छे से धो के डाल दो, क्योंकि पानी निकल ही जाता है गर्मी में, तो बहुत जल्दी सूख जाता है। लेकिन अगर सर्दी है तो दो चार दिन उसको धूप में रख के सुखा लो और फिर अपने प्लांट्स की सोयल में मिला दो, चाहे वो पोट में लगे हुए हो, चाहे वो आपके वर्टिकल प्लांटर हो, जैसे मर्जी हो। तो बहुत बढ़िया खाद का काम करता है एक तरीके से ये। और इसमें दोस्तों मैक्रो माइक्रो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ को बनाने में भी हेल्प करेंगे और आपके प्लांट पहले से ज़्यादा हेल्दी नज़र आएंगे, चाहे आपके इंडोर प्लांट्स हो चाहे आउटडोर हो। और कई बार दोस्तों हम किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र को बना के उसका स्प्रे भी कर देते हैं, जिससे प्लांट हेल्दी भी हो जाते हैं और जो हमारे प्लांट के लीव्स हैं वो जल्दी से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आपने कैसे देना है प्लांट में, या स्प्रे मार के दो या आप डायरेक्टली सोइल में डाल दो। और अब तीसरी बात आती है दोस्तों सोइल के पीएच की, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कई बार हम सारा कुछ डाल रहे होते हैं और फिर भी हमारे प्लांट जो है इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं शो करते, इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती, फूल नहीं खिलते, सब्जियां नहीं लगती। वो इसलिए नहीं लगती कि शायद आपकी सोइल का जो पीएच है वो उस प्लांट के मुताबिक ना हो। आमतौर पर 5 से 6.5 के अंडर सब आ जाते हैं, तो इस तरह की जो मिट्टी होती है ना वो ज़्यादा एसिडिक होती है ना ज़्यादा एल्कलीन होती है। तो अगर आपकी दोस्तों मिट्टी ज़्यादा क्षारीय है, क्षारीय मतलब एल्कलीनी, तो ज़्यादा एल्कलाइन वाली है, तो आपने उसको एसिडिक बनाना है। एसिडिक बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब खटास वाली सोइल बनाना है अपनी देसी भाषा में। तो आप विनेगर को पानी में मिला के, थोड़ा सा विनेगर ले लो हाफ टेबल स्पून, उसको 1 लीटर पानी में घोल के वो डाल दो, फिटकरी का पाउडर बना के वो डाल दो, नींबू का रस पानी में निचोड़ के वो डाल दो। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपके सोइल के पीएच को थोड़ा सा एसिडिक बना देंगी। अगर आपकी ज़्यादा एसिडिक है तो आपने उसको एल्कलीन कैसे बनाना है, चूना आता ना चूना, चूने को पानी में घोल के डाल दो, बेकिंग सोडे को डाल दो। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपने करनी है अपने गार्डन में। और दोस्तों कई बार हमारे जो प्लांट होते हैं तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, कई बार जैसे मैं बता देती हूँ बेकिंग सोडा का स्प्रे पानी में मिला के कर दो या विनेगर वाटर, तो कुछ प्लांट हमारे इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर हम उन पर डायरेक्टली स्प्रे करते हैं तो उनकी पत्तियाँ ख़राब होने का डर रहता है। बिल्कुल आप ठीक कहते हो, कई बार आप बोल भी देते हो मेरे को। तो उनके प्लांट पे आप ना स्प्रे करके उसकी सोइल में मिला दिया करो, जैसे विनेगर वाला पानी है वो आपने उसकी मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें डाल दो चारों तरफ, मत स्प्रे किया करो। और सबको पता होता है दोस्तों जो गार्डनिंग के शौकीन लोग हैं कि हमारे सेंसिटिव प्लांट्स कौन से हैं और हार्डी प्लांट कौन से हैं, उस पर भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है। तो जो बिल्कुल न्यू बिगिनर है तो बिल्कुल वो डाल दें। और अब आता है दोस्तों कई बार हमारे जो फूलों वाले प्लांट हैं उन पे मिली बग्स वगैरह का अटैक हो जाता है, या काले काले से है ना बहुत छोटे छोटे से वो लग जाते हैं, चेपा बोलते हैं जिसको, और कई बार वाइट वाइट से मिली बग्स लग जाते हैं, कई बार हरे हरे से होते हैं। तो किसी भी तरह के हो, आपने क्या करना है कि आपके पास जो भी घर में लिक्विड सोप है आपके पास, चाहे वो हाथ धोने का है चाहे वो बर्तन साफ़ करने का है, या ये भी कुछ नहीं है, कोई लोग लिक्विड वगैरह नहीं यूज़ करते जो गांव से बिलोंग करते हैं, तो सर्फ तो घर में आता ही है, उसको पानी में घोल के उसका स्प्रे मार दो। तो एक बार मार के ये मत सोचो कि ये भाग जाएंगे, ये भी बड़े ज़िद्दी हैं, नहीं जाते एक दो बार में सॉरी। तो आपने वीक में 3-4 बार स्प्रे करना है इसका, ताकि वो दोबारा आ ही ना पाए। और दोस्तों कई बार जो हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं
उनको एनपीके की जरूरत होती है, तो आप पूछते हो कि एनपीके हम बाहर से नहीं देना चाहते, तो उसका सबसे बढ़िया सोर्स आपका कंपोस्ट ही है। जो आप कंपोस्ट अपने चाय पत्ती के बचे हुए चाय पत्ती जो बची हुई होती है उससे बनाते हो, वही सबसे बढ़िया है। वो एनपीके का भी सोर्स है, वो आपके चाहे इंडोर प्लांट है, मनी प्लांट वगैरह है, उनको इतनी बढ़िया खुराक देगा कि आपके पत्ते बहुत सुंदर निकल के आएंगे। तो बस यही छोटी छोटी बातें थी आज जो मुझे शेयर करनी थी, बहुत सारी इकट्ठी हो रही थी, तो आज मुझे लग रहा था कि इन पे वीडियो बना दूं मैं। कई बार आप पूछ लेते हो कि होममेड तरीके से हम कैसे अपने प्लांट्स को सेव करें, तो बिल्कुल दोस्तों यही कुछ बातें हैं जिनसे आप अपने प्लांट्स की हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हो, और मतलब इन छोटी छोटी बातों से जो भी प्रॉब्लम हमारे गार्डन में आती रहती हैं उनसे आप बचा भी सकते हो। तो बस यही ध्यान रखना है आपने कि घर में से खाद वगैरह कौन सी देनी है हमने, और अगर प्लांट हमारे इन्फेक्टेड हो जाए या किसी भी चीज़ का इफेक्ट हो जाए तो हमें अपने घर से उनको कैसे बचाना है। तो उम्मीद है बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस हैं या जिन्होंने कमेंट करके पूछा था वो पता नहीं सेटिस्फाई हो पाए होंगे या नहीं, लेकिन मुझे लगता है मैंने आंसर देने की कोशिश की है। अभी भी कुछ रह गया हो तो फिर आप मुझे दोबारा पूछ लेना, क्योंकि मैं भी दोस्तों उन्हीं टॉपिक को ज़्यादा शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती हैं और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाती है, या किसी एक पर्टिकुलर प्लांट पे बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं, तो ऑलमोस्ट मेरे वही होते हैं टॉपिक, क्योंकि प्लांट्स पे तो ऑलमोस्ट बनाते ही रहते हैं हम वीडियो। और दोस्तों जब हम प्लांट ला के लगाते हैं तो उनके साथ समस्याएँ भी होती हैं, है ना। हम इतने पैसे खर्च करके बड़े शौक से उस प्लांट को लाते हैं, लगाते हैं, और अगर ज़रा सी भी कोई उसमें गड़बड़ हो जाए तो बड़ा हमारा मन दुखी हो जाता है ना, कि किसने से इस प्लांट को अपने बचाएं। और बिल्कुल दोस्तों जो नए नए प्लांट आप लाके लगाते हो कम से कम 5-7 दिन उसको शेड में रखा करो, फिर धीरे धीरे धूप में लाना शुरू किया करो, थोड़ा सा फिर थोड़ा सा ज़्यादा फिर थोड़ा सा ज़्यादा, इस तरह से। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, तो बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताना आज का टॉपिक ठीक रहा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।